पहला है कार्बोलामाइन रिएक्शन, सेकंड है डाई एजोटाइजेशन, थर्ड है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, फोर्थ है कपलिंग रिएक्शन, फिफ्थ है अमोनोलिसिस, सिक्स है एसिटाइलेशन, सेवन्थ है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो चलिए हम देखते हैं, तो हमारा पहला है कार्बोलामाइन रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बोलामाइन रिएक्शन जो है वो क्या कहलाता है, तो जो हमारा प्राइमरी अमाइन होता है, केवल और केवल प्राइमरी अमाइन, राइट। तो जो हमारा प्राइमरी अमाइन होता है तो RNH2, इसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 और QH से कराते हैं, ठीक है। ये 1:3 में हमें लेना है। क्या होता है कि RNC जो है वो बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड जो है वो बनता है, और क्या होता है, और आपका 3 KCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और 3 हाइड्रोजन ये है, तो 6 हाइड्रोजन मतलब 3H2O बन जाएगा। तो ये हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड जो है वो बनता है। अगर आपका प्राइमरी अमाइन एरोमेटिक है तो भी रिएक्शन हो जाती है, तो प्राइमरी अमाइन होना चाहिए, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म एंड KOH से रिएक्शन होती है, मतलब इसमें हमें हीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये एल्काइल आइसोसाइनाइड है, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा होता है, तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड बन गया और 3 KCl बन जाएगा और 3H2O बन जाएगा। ये फिनाइल आइसोसाइनाइड या एल्काइल आइसोसाइनाइड, इसकी स्मेल जो है वो कैसी होती है, फाउल स्मेल होती है। तो इस फाउल स्मेल के थ्रू ही हम प्राइमरी जो अमाइन है उसको हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन अमाइन टेस्ट जो होता है उससे हम प्राइमरी अमाइन का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन जो है वो कार्बन अमाइन रिएक्शन नहीं देते। फिर इसके बाद हमारी सेकेंड रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन। तो हमारी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन क्या कहलाती है, तो ये हमारी एरोमेटिक अमाइन में होती है, एलिफैटिक अमाइन में नहीं होती। तो एक चीज याद रखना, एरोमेटिक अमाइन मतलब एनिलीन, तो एनिलीन में ये रिएक्शन होती है। जब एनिलीन की रिएक्शन जो है वो NaNO2 और HCl के मिक्सचर में, तो क्या बनता है, ये HNO2 बनेगा और NaCl बनेगा, राइट। तो इस मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो क्या होता है, तो देखो जरा, सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारा N2Cl बनता है, ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है वो बनता है, तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है वो बनता है, मतलब कि जो हमारा अमाइन ग्रुप है, जो हमारा NH2 ग्रुप है, वो NH2 ग्रुप रिप्लेस हो जाता है किससे, N2Cl ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। इसी को हम डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन जो है वो बोलते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन एक्चुअली में होती कैसे है, तो देखो सर, इस रिएक्शन को हम करते कैसे हैं, सबसे पहले ये हमारा HCl से रिएक्ट करेगा, तो ये हमारा, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है, तो NH2HCl जो है वो बन जाता है, ठीक है। फिर रिएक्शन जो है वो HNO2 से कराई जाती है, तो क्या होता है, ये एन नाइट्रोजन बनेगा, ठीक है, और ये सीएल, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाता है, तो ये N2Cl बन जाता है, ठीक है। और क्या बन जाएगा, ये 2H और 1H, ये और 1H, ये तो H2 बन जाएगा, कितने 2H2 बन जाएगा, एक ऑक्सीजन ये भी तो है, ठीक है, तो 2H2 बन जाएगा, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो बन जाता है। और ये हमारा कैसा होता है, ये स्टेबल होता है,
ये रेजोनेंस के थ्रू जो है वो स्टेबल होता है। प्राइमरी अमाइन जो है, जो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, वो ये रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि आर एन एच टू जो है वो अगर आप इससे रिएक्शन कराओगे, एन ए एन ओ टू और एच सी एल के मिक्सचर से रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो ये हमारा आर एन टू सी एल ये बन तो जाएगा, लेकिन कैसा होता है, ये अनस्टेबल होता है। ये तो हमारा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाता है, लेकिन ये हमारा कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो ये इजिली जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, वाटर में इजिली डिकम्पोज हो जाएगा। क्या बनाएगा? आर ओ एच बनाएगा, मतलब एल्कोहल बना लेगा। और क्या बनाएगा? नाइट्रोजन गैस दे देता है, ठीक है। और क्या बनाएगा? एच सी एल बनाएगा। तो जो डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन होती है वो केवल और केवल किसमें होती है? वो हमारी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन में होती है। इसके बाद हमारी थर्ड रिएक्शन है, ये है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है वो क्या कहलाती है? तो ये ऐसी रिएक्शन होती है जहां से हम अमाइड से अमाइन बनाते हैं, मतलब प्राइमरी अमाइड चाहे आपका एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, उससे हम प्राइमरी अमाइन जो है वो बनाते हैं। एक कार्बन कम का अमाइन जो है यहाँ पे बनता है। तो देखो जरा, प्राइमरी अमाइड हम लेते हैं, तो ये हमारा प्राइमरी अमाइड है, ये एसिटेमाइड है। इसकी रिएक्शन जो है वो Br2 एंड QH से करानी है, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमारा एक कार्बन कम का अमाइन बनता है, मतलब कि CH3NH2। ये दो कार्बन है यहाँ पे, तो ये CO ग्रुप जो है वो हट जाता है, ठीक है। अब 1:4 में ये रिएक्शन होनी है, राइट। तो क्या होगा, ये K है और ये Br है, तो 2KBr बन जाएगा, ठीक है, प्लस। और आपका ये CO और ये पोटेशियम और ये ऑक्सीजन से ये K2CO3 बन जाती है, ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 2H2O बन जाता है। जो हमारा एरोमेटिक अमाइड है, ये बेंजामाइड जो है C(OOH)2, इसकी रिएक्शन Br2 and 4QH, ये 1:4 में होता है, कराना है। तो ये हमारा बनेगा एनिलीन, ठीक है। और क्या बनेगा, KBr, और क्या बनेगा, K2CO3, ये 2 नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। और क्या बनेगा, H2, ये 2H2 बनेगा, ठीक। तो ये हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट क्या है, कि इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस ये है कि ये रिएक्शन जो है वो एक कार्बन कम का प्रोडक्ट देता है। तो चेन को डिक्रीज करना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है वो उत्तम है। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर है कपलिंग रिएक्शन। तो हमारा कपलिंग रिएक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो कपल बनाता है, वो आपका एनिलीन के साथ बना सकता है, या फिर फिनॉल के साथ बना सकता है, या फिर टर्शियरी अमाइन के साथ बना सकता है। तो देखते हैं ये कपल जो है वो कैसे बनता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है, तो ये हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। जब आप इसको फिनॉल से रिएक्ट कराते हो, ये हमारा फिनॉल हो गया, ठीक है। तो चूंकि फिनॉल जो है ये हमारा कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई होगी, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये Cl से क्या होगा, HCl बना लेगा, और रेमेनिंग पार्ट जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसा बनेगा, ये N और ये डबल बॉन्ड N हो जाएगा, ठीक है। और इससे ये फिनॉल कनेक्ट हो जाएगा, इतना पार्ट जो है ये हमारा एजो कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा कंपाउंड कहलाता है, एजो कंपाउंड कहलाता है, इसको हम एजो बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो लिखोगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन।
राइट, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन राइट। अब ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन था तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ जाएंगे राइट, तो इसका पॉजिटिव साइन खत्म हो जाएगा इसलिए डबल बॉन्ड आया। अब इसके बाद फिर से हमने बेंजीन डाइएथिलीन क्लोराइड लिया और इसकी रिएक्शन जो है वो हम एनिलीन से करा देते हैं। तो चूंकि ये भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और ये सीएल से एचसीएल निकल जाएगा, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये एचसीएल निकल जाएगा तो ये बनेगा एन डबल बॉन्ड एन एनएच टू राइट। तो ये होगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। राइट, तो ये हमारा जो है वो ऑरेंज डाई होता है और ये हमारा जो है वो येलो डाई है। फिर थर्ड देख लेते हैं, इसकी रिएक्शन जो है हम एन एन डाइमिथाइल एनिलीन से कराते हैं, ठीक है, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन से कराते हैं। क्या करना, हीट करना है तो यहां से हाइड्रोजन सीएल निकल जाएगा तो ये ऐसा बनेगा एन डबल बॉन्ड एम और ये बेंजीन और ये एन ये सी एस थ्री और ये सी एस थ्री। तो यहां पे लिखा जाएगा एन कॉमा एन डाइमिथाइल, ठीक है, चूंकि पैरा पोजीशन पे है तो पैरा एन कॉमा एन डाइमिथाइल अमीनो एजो बेंजीन और यही हमारा मिथाइल ऑरेंज कहलाता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज मतलब ऐसा रिएजेंट जिसके थ्रू हम एसिड एंड बेस की टेस्टिंग जो है वो करते हैं। फिर हमारी फिफ्थ रिएक्शन है अमोनोलिसिस। तो हमारा अमोनोलिसिस जो है वो क्या कहलाता है, तो अमोनोलाइसिस जो है वो क्या कहलाता है, तो अमोनिया की रिएक्शन जो है वो कंपाउंड से करानी है। तो देखो जरा, जो हमारा आर सी एल है, अमोनिया की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, आर एन एच टू अमाइन बना और क्या बन जाएगा, एच सी एल निकल जाएगा। अब आर सी एल की रिएक्शन आप फिर कराओगे तो क्या होगा, आर एन एच आर बन जाएगा, ये हमारा वन डिग्री अमाइन है, ये हमारा टू डिग्री अमाइन बन जाएगा। फिर आर सी एल की रिएक्शन कराओ से हमारा ये थ्री डिग्री अमाइन बन जाएगा, ठीक है, ये थ्री डिग्री अमाइन है। तो बस अमोनिया की रिएक्शन किसी कंपाउंड से कराते हैं तो उसको हम अमोनोलिसिस बोलते हैं। ये अमोनोलिसिस किसका हो गया, एल्काइल हैलाइड का। अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो हमारा क्या होगा, H2O निकल जाएगा और RNH2 प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। फिर एक और एल्कोहल हम लेंगे तो ये सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा, ठीक है, और एक और एल्कोहल लेंगे तो हमारा टर्शियरी अमाइन बन जाएगा। तो किसी भी केमिकल रिएजेंट से अमोनिया की रिएक्शन कर रहा है तो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन बने, इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारी सिक्स नंबर की रिएक्शन है एसिटाइलेशन। तो हमारा एसिटाइलेशन जो है वो क्या कहलाता है, तो किसी भी रिएजेंट में अगर हम सी ओ आर ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन, ठीक है। तो देखो जरा, ये हमारा एनिलीन है, इसकी रिएक्शन सी एस थ्री सी ओ सी एल से कराते हैं तो क्या होगा, ये सी एल और ये एच सी एल निकल जाएगा और ये हमारा बन जाएगा एन एच सी ओ सी एस थ्री। तो ये एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन हो गया, ठीक है। फिर आर एन एच टू सी एस थ्री सी ओ सी एल की रिएक्शन कराओ से बनेगा हमारा
R NH CO CH3। तो इसका नाम अगर हम देखें तो क्या होगा, तो देखो जरा इसको आप ऐसे कर लो डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड O N, ये तो हमारा अमाइड होता है, तो N एल्काइल और इथेन अमाइड हो जाएगा, है ना। ये डबल बॉन्ड आप ऐसे करोगे तो N फिनाइल इथेन अमाइड हो जाएगा, राइट। तो ये इसके नाम हो जाएंगे। तो CH3CO ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस कराने को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ये हमारा बेंजीन है, CH3COCl से रिएक्शन कराओ, ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंट में, तो CO CH3 एसिटोफिनॉल जो है वो बन जाता है ना, और अच्छे निकल जाएगा। तो ये हमारी एसिटाइलेशन रिएक्शन कहलाती है। फिर इसके बाद हमारी सेवेंथ नंबर की रिएक्शन है, ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या कहलाता है, ठीक है। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है वो एक यूनिक केमिकल रिएक्शन है, इसके थ्रू हम केवल और केवल प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन का फॉर्मेशन नहीं किया जाता है, ना ही सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब यहाँ पे हम एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, राइट। तो केवल और केवल प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन का फॉर्मेशन जो है वो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के थ्रू करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो देखो जरा, तो हमारा थैलिक एनहाइड्राइड, तो ये हमारा बेंजीन है, ये C डबल बॉन्ड O NH, ये हमारा थैलेमाइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो है वो KOH से कराते हैं, ठीक है, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करानी है। क्या होगा, पोटेशियम थैलेमाइड जो है वो बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O, ये N और ये K, तो ये पोटेशियम थैलेमाइड हो गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जो है वो C2H5I से कराओ, किसी भी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओ, क्या होगा, KI बन जाएगा और C2H5 इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O, ये N और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे R कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और KI जो है वो अलग हो जाएगा, तो KI अलग कर देता हूँ, तो कैसे मारे। अब इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो H यहाँ OH यहाँ, ये बॉन्ड टूटेगा तो H यहाँ OH यहाँ, तो ये तो हमारा बन जाएगा अमाइन, ठीक है। तो RNH2 की जगह आप C2H5NH2 कर लो, R की जगह ये C2H5 कर लो, है ना। तो ये इथाइल अमाइन बन गया और ये हमारा बन गया C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OOH, ये थैलिक एसिड बन गया। तो बस गैब्रियल थैलेमाइड के थ्रू हम जो है वो प्राइमरी अमाइन का सिंथेसिस करते हैं।